हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका चैनल पे। आज हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जो कि आपकी पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है आपका। ये जिस चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है आपका एंड ऑफ बाई पोलैरिटी। जो मैंने आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया था वो मैंने शीत युद्ध के बारे में पढ़ाया था, नहीं कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ाया था। तो उसमें जो आपने कहानियाँ पढ़ी थी उसके बाद की ही कहानी इस वाले चैप्टर में मिलेगी। जैसे कि चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है जो बाई पोलर वर्ड आपका पिछले चैप्टर में मैंने बनाया था बाई पोलर, उसका यहाँ पर एंड हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, मिलने को देखने को मिल कह सकता है, मिलेगा ही आपको। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपका वॉल ऑफ बर्लिन। देखिए, मैंने जब आपको बताया था कि जब आपका कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो जो भी विश्व था वो दो भागों में बट गया था आपका। तो जो दो भागों में बटन की मान लीजिए यही एक आपका दो भाग है, तो यहाँ पर जो ऐसे करके भाग बांटा गया था तो ये वाला जो एरिया बनता है जिसको बांटा गया था उसके बीच में एक दीवार बनाई गई थी, जैसे ये वाली जो मैं आपको लाइन दिखा रहा हूँ, और इसी को क्या बोला गया था, वॉल ऑफ बर्लिन बोला गया था। ये जो वॉल ऑफ बर्लिन है वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है वहाँ पर बनाई गई थी, जो कम से कम 150 किलोमीटर लंबी थी। और ये जो थी बनी थी मतलब 1961 में बनी थी। ठीक है, इसके बनने का जो उद्देश्य था वो बस ये था कि वो यूरोप को दो बराबर भागों में बांटता था, एक तरफ सोवियत संघ की तरफ और दूसरा जो हिस्सा था वो अमेरिका की तरफ दर्शाता है। ठीक है, ये है आपका वॉल ऑफ बर्लिन। आगे है बात करते हैं बर्थ ऑफ सोवियत यूनियन। देखिए, सोवियत यूनियन जो आखिर वो बना कैसे, यानी कि USSR यानी कि यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। देखिए, ये जो आया था पर केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द रशियन बोल्शेविक रेवोल्यूशन। देखिए, एक क्रांति चलाई गई थी जिसको हम बोलते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ 1917, और इसके बाद से ही ऐसा देखा गया है, फिर मतलब बोला गया कि एक देश होगा जिसका नाम होगा सोवियत यूनियन, और ये 15 गणराज्यों से मिलकर के बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बर्थ है किसका, सोवियत यूनियन का। तो इसमें पूछा जाता है कि आखिर सोवियत यूनियन बना कैसे, तो आप क्या बताएंगे कि एक मतलब क्रांति चली थी, कौन सी वाली, बोल्शेविक रेवोल्यूशन पार्टी रेवोल्यूशन सॉरी, और इसके बाद से सोवियत यूनियन क्या हुआ, एग्जिस्टेंस में आया था, यानी कि 1917 से लेकर के। चलिए अब बात करते हैं सोवियत सिस्टम की। सोवियत सिस्टम क्या है, देखिए किसी भी देश को चलाने के लिए एक सिस्टम होता है, तो उसी तरीके से USSR जो था आपका उसको चलाने के लिए एक सोवियत सिस्टम था, जिसमें क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था कि जितना भी कंट्रोल होगा वो एक स्टेट के हाथों में होगा, और ये जो डायरेक्टेड होगा वो किसके द्वारा होगा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा होगा, और इसी को क्या बोला गया था, सोवियत सिस्टम बोला गया था। देखिए, जो सोवियत सिस्टम था यहाँ पर जितना भी मतलब ज़्यादा ज़्यादा कंट्रोल था या फिर जो सबसे ज़्यादा पावर थी वो सरकार के हाथों में होती है। ठीक है, यानी कोई भी मतलब कोई भी मुद्दा हो या फिर कोई भी हमें मान लीजिए बात विचार करना है या फिर देश में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब किसके कंट्रोल में है, एक स्टेट के कंट्रोल में है, और इसी को हमने क्या बोला था, सोवियत सिस्टम बोला था। सोवियत सिस्टम कहाँ पे था आपका, USSR में था, यानी कि USSR में था। अब बात करते हैं सोवियत सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसमें क्या था कि देखिए यहाँ पर है कि सोवियत सिस्टम वॉज अपोज टू द कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड इंस्पायर बाय द आइडियल ऑफ सोशलिज्म। तो यहाँ पर साफ सीधा ये कह देगी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था जो कि कहाँ पे था आपका, USA में था, उसको ये क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, और ये इंस्पायर थे किसी से, सोशलिज्म। सोशलिज्म पता है एक तरीके से समाजवाद या फिर साम्यवाद आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था मतलब कि जो USSR था यहाँ पर कैपिटलिज्म को कहता अपोज किया गया था, और जो सोशलिज्म था उसको एक तरीके से अपने देश में लाया गया था। इसके अलावा कहता कि सोवियत सिस्टम के पास कहते एक प्लैंड इकोनॉमी थी, और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी डोमिनेटेड थी, यानी कि एक ही यहाँ पर पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी जो कि यहाँ पर राज कर रही थी, और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा कम था, यानी कि ना के बराबर आप कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम था। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब ये होता है जो संचार के साधन होते हैं वो बहुत ही बढ़िया थे। देखिए, संचार के साधन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। संचार के साधन का मतलब ये जरूरी नहीं है कि बातचीत या फिर फ़ोन वगैरह ही संचार का साधन हो। संचार के साधन का मतलब होता है आपके देश में आवाजाही के जो रूट वगैरह होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये भी वहाँ पर बहुत ही बढ़िया था। इसके अलावा उस देश में मतलब जो सोवियत सिस्टम था वहाँ पर स्टेट ओनरशिप थी, और स्टेट हैड कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब सारा का सारा जो एक तरीके से हम कंट्रोल कह सकते थे वो किसके पास था, आपके एक स्टेट के पास में था। और यही आपका क्या है, सोवियत सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ की। तो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ हमने पहले चैप्टर में बात की थी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज थी वो आपका अमेरिका है, और सेकेंड वर्ल्ड कंट्री जो थी वो आपका सोवियत यूनियन है। तो इसमें जितनी भी कंट्री थी वो ईस्टर्न यूरोप की थी जो कि सेकेंड वर्ल्ड कंट्री के लिए थी, और इन देशों ने किसको अपना रखा था, सोशलिज्म को अपना रखा था, क्योंकि ये सब किसके साथ थे, ये थे आपके सोवियत संघ के साथ थे, इसीलिए इन लोगों ने उस चीज़ को अपना रखा था, यानी कि यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो भी कौन सी थी, यही सोशलिज्म वाली थी। ठीक है, अब एक चेंज आया था 1980 के दशक में। उस समय जो थे जो आपका सोवियत यूनियन था उसके जो मतलब राष्ट्रपति थे वो मिखाइल गोरबाचेव बने थे, और इन्होंने सोवियत संघ को शुरू से आगे बढ़ाने की सोची, और दो एक तरीके से मतलब ये प्लान लेकर के आए कि जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, सोवियत संघ को आगे लेके जा सकते हैं।
ठीक है, तो वो दो प्लान जो थे वो थे आपके, एक तो था आपका पेरिस त्रोइका जिसका मतलब होता है इकोनॉमिक रिफॉर्म, और दूसरा था आपका ग्लासनोस्ट, इसको बोला गया था ओपननेस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया फिर जो बने बताया पेरिस त्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये दोनों जरूर पूछा जाता है कि आखिर ये दोनों क्या थे। तो एक का मतलब पेरिस त्रोइका का मतलब क्या है, इकोनॉमिक को रिफॉर्म करने के लिए था, और ग्लासनोस्ट का मतलब ओपननेस लाना था, कहाँ पर आपके USSR में, यानी कि USSR में। ये कौन लेकर आया था, मिखाइल गोरबाचेव लेकर गए थे, और ये बने थे 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे, जिन्होंने सोवियत संघ को आगे बढ़ाने के लिए मतलब ये सब नियम वगैरह या फिर योजनाएं थी वो चलाई थी। देखिए इस मैप में आपको दिख रहा होगा द मैप ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो आपको रेड में दिख रहा है वो आपका सेकंड वर्ल्ड कंट्री है, जो ब्लू में दिख रहा है आपको वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, और जो थर्ड आपका मतलब ये ग्रीन में है वो आपका थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। ठीक है, तो जिन देशों ने कैपिटलिज्म को अपनाया था वो अमेरिका के साथ थे, और उन्हीं को इसमें मतलब एक तरीके से मैप में दिखाया गया, जैसे कि अगर आप ब्लू में देखते हैं तो ये है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर एक साउथ अफ्रीका भी है, जिसको किस में दिखाया गया है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में। ठीक है, और वही बात करते हैं हम किसकी, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री की। तो ये आपका कौन है, आपका ये USSR है। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये इस तरीके से यहीं पे एक तरीके से बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, और इसके बगल में कौन आ गया, आपका USSR आ गया था। ठीक है, और ये आपका सेकेंड वर्ल्ड कंट्री है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी है, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जो भी देश शामिल हुए थे उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बोला गया था, यानी कि इसमें आपका इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका वगैरह, ये सब देश थे, ये 9 स्वतंत्र देश थे जिनको मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रखा गया था। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि आखिर पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया में अंतर क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि पहली दुनिया आपकी पूंजीवाद देश थी, दूसरी दुनिया सोवियत संघ के साथी थे और वो आपका कैपिटलिज्म को मानते, सॉरी सोशलिज्म को मानते थे, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो थी इन्होंने अपना विकास स्वयं किया था, ये किसी गुट में नहीं गए थे, इसलिए उनको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में रखा गया था। ठीक है, चलिए सोवियत यूनियन के एंडिंग डिक्लेरेशन, देखिए यही है आपका मतलब इस चैप्टर का जो मेन मोटिव था पढ़ाने का, कि आखिर जो बाइपोलर था वो ख़त्म कैसे हुआ। तो यहीं पर आपको समझ आ गया होगा कि जो 1991 का समय ऐसा आया कि जो ईस्टर्न यूरोप था उसके अंदर जो मतलब जो लीडरशिप में आए थे बोरिस यल्त्सिन, जो कि रशिया के थे, और यूक्रेन, बेलारूस, इन लोगों ने अपने आप को सोवियत यूनियन से अलग कर लिया था, यानी कि इन्होंने ऐसा माना कि जो सोवियत संघ है फिर USSR है ये अपना विकास नहीं कर रहा है, और हम इसके साथ रहेंगे तो हमारा भी मतलब घाटा होगा, और एक तरीके से यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स हो गई थी, देश पीछे हो गया था, यहाँ के लोगों की जो भी एस्पिरेशंस थी वो पूरी नहीं हो रही थी, और इसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पर आंदोलन वगैरह चले, और सबसे बड़ा जो आंदोलन चलाया गया था वो बोरिस यल्त्सिन द्वारा चलाया गया था, और यही मतलब रशिया का सब मतलब सोवियत संघ में सबसे बड़ा हिस्सा रशिया आता है, और इसको ये अपनी तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। और 1991 में क्या हुआ, जब का सोवियत यूनियन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, और यहीं से एक चीज़ समझ आती है कि एंड ऑफ बाइपोलरिटी ख़त्म हो गई थी। ठीक है, और यहीं से देखा गया था कि अमेरिका का जो है जो हेजेमनी थी उसकी वो बढ़ गई थी, क्योंकि खुद ही सोचिए कि मान लीजिए कोल्ड वॉर चल रहा था, तो कोल्ड वॉर किनके बीच में था, अमेरिका के बीच में था और सोवियत संघ के बीच में था। ठीक है, अब सोवियत संघ ही ख़त्म हो गया तो कौन बच गया अकेला, अमेरिका बच गया। तो यहीं से एक बात समझ आ गई थी कि तरीके से हेजेमनी स्टार्ट हो गई थी किसकी, ये जो आपका अमेरिका था उसकी, और यहीं से आपका सोवियत संघ क्या हो गया था, डिक्लेरेशन इसकी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट कमिंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी रूल इन सोवियत यूनियन की, इसकी रूल की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी यही यहाँ पर रूल कर रही थी, और ये 70 सालों से रूल कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था, ये अकाउंटेबल नहीं रही लोगों के जरिए, मतलब लोगों के बीच कि मतलब आखिर क्या करना है क्या नहीं करना है ये कुछ बता ही नहीं पा रहे थे, लोग जो चाहते थे वो ये पार्टी नहीं कर पा रहे थे, एक तरीके से सत्तावादी ये पार्टी हो गई थी, जिसकी वजह से इनका खामियाजा भुगतना पड़ा, और धीरे धीरे ये जो आपका सोवियत यूनियन क्या हो गया, पूरे तरीके से आपका ख़राब हो गया, और यहाँ के मतलब जो भी मतलब जो गवर्नेंस थी ये भी सब खराब हो गई, और जो लोग चाहते थे, जैसे कि मान लीजिए अगर आप जिस भी देश में रहते हैं और आपके वहाँ पे देश की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, अगर वो लोग अगर सरकार पूरा ना करे तो लोग क्या करते हैं, आंदोलन वगैरह करते हैं, तो सेम यही चीज़ कहाँ पर हुई थी, आपके सोवियत संघ में हुई थी। ठीक है, और जिसकी वजह से मतलब धीरे धीरे यहाँ पर आंदोलन हुए, और देशों ने अपना अपने मतलब अपने आप को आज़ाद समझा और बोला कि हमें सोवियत संघ के साथ नहीं रहना है, हमें अलग रहना है, और ऐसे करते करते ये जो आपका जो सोवियत संघ था वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। ठीक है, अब देखिए कोलैप्स में क्या क्या हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपका रशिया अकेला बच गया था, सबसे बड़ा हिस्सा अगर देखा जाता है सोवियत संघ के कोलैप्स के बाद तो रशिया सबसे बड़ा था, बेलारूस अलग हो गया, ये लिथुआनिया, लताविया, एस्तोनिया, ये सब देश जो थे अपने अपने इन लोगों ने अपने आप को अलग कर दिया था, किसे, सोवियत संघ से। ठीक है, अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम ये आगे की कहानी पढ़ेंगे, जिसमें पता करेंगे कि जो आखिर जो रीज़न था आखिर डिसइंटीग्रेशन का किसका, सोवियत यूनियन का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए।
हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका अगली वीडियो में। अब तक जो हमने कहानी पढ़ी थी उसके बाद की कहानी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इस वीडियो में पढ़ना है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपका जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, और इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। आखिर मतलब इसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से जो आपका सोवियत यूनियन जैसा इतना बड़ा देश कोलैप्स हो गया। समझाने के का मतलब खुद ही सोचिए कि एक ऐसा देश जो अमेरिका तक को टक्कर दे सकता था और दिया भी था, वो खुद एक कोलैप्स हो गया था। उसके पीछे कारण कहते हैं, तो पहला जो कारण था वो ये था कि फेलर टू फुलफिल द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन। जो वहाँ के मतलब नागरिक थे उनकी जो भी मतलब कहती है आपकी एक्सपेक्टेशन से अपने देश को लेकर के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वे में, वो ये पूरा नहीं कर पाया। दूसरी चीज़ ये थी कि जो यहाँ के नौकरशाही वाले बंदे थे वो जो थे वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो गए थे एक तरीके से। सरकारी नौकर जिनको हम कह सकते हैं, फिर जो सरकार के लेंटर में काम करते हैं वो जो लोग थे वो सही से काम नहीं करते। इसके अलावा क्या था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी आपकी जो रूल कर रही थी वहाँ पे, उसका बैड गवर्नेंस हो गया था, मतलब अच्छे तरीके से राज नहीं कर रही थी। इसके अलावा क्या था कि सोवियत यूनियन ने अपना जो भी पैसा था, मतलब यहाँ लिखे कि पुट मोर ऑफ इट्स मनी एंड रिसोर्सेज इनटू ईस्टर्न यूरोप। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कोल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, आपका यूरोप को दो भागों में बांट दिया गया था। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया कि जो आपका ईस्टर्न यूरोप इसके साइड में था, इसके ऊपर इसने ज़्यादा पैसे खर्च किए ताकि इसके अंडर में ही रहेगी कौन, ईस्टर्न यूरोप। और उसके बाद क्या किया इसने कि इसने अपने लोगों को या फिर जो अपनी जनता है उसको मिस इन्फॉर्म किया कि हमारा जो सोवियत यूनियन है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन रियलिटी सोवियत यूनियन पश्चिम के देशों से पीछे था। अब खुद ही सोचिए कि आपने अपनी जनता को बोल रखा है कि आपका देश आगे बढ़ रहा है और जनता को पता चलता है कि उनका देश जो है वो पीछे हो रहा है, तो कितनी मतलब बुरी बात होगी। एक तरीके से लोग आपके गुस्सा हो सकते हैं इस बात से, धरना प्रदर्शन ये सब होता रहता है। तो सेम चीज़ें ये हुई थी। इसके अलावा क्या किया कि मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑन न्यूक्लियर वेपन्स। ये सबसे बड़ी गलती करी इन लोगों ने कि क्या करा कि जितना भी पैसा था उन लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स पे खर्च किया, ना कि लोगों की आकांक्षाओं पे। यानी कि जैसे होता है कि आप लोगों को हॉस्पिटल दें, स्कूल दें और कंज्यूमर गुड्स दें, लेकिन नहीं, यहाँ के देश ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, सारा पैसा न्यूक्लियर वेपन्स पे लगाया। और जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे लोगों की जो भी मतलब चाहत है या फिर जो लोगों को चाहिए वो नहीं मिलेगा। आखिर लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स से क्या ही कर लेंगे। समझ रहे कहने का मतलब। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर लैग बिहाइंड द वेस्ट। इसके अलावा ये प्रौद्योगिकी में जो वेस्ट की कंट्री थी उनसे ये पीछे हो गए थे। और इसके बाद है प्रोमिनेंस ऑफ रशिया। इसके अलावा क्या था, आपका जो सोवियत संघ था आपका, उसके अंदर सबसे बड़ा पार्ट जो आपका रशिया था उसका दबदबा बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा जो गोरबाचेव ने अपनी तरफ से नीतियाँ लेके आई थी उसका कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिला, और धीरे धीरे जो यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स थे वो कम हो गए। और इसके अलावा लोगों के मन के अंदर थोड़ी सी नेशनलिस्टिक फीलिंग्स और डिज़ायर फॉर सोवरेनिटी उत्पन्न होने लग गई। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आप किसी देश में रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका भारत ही है, भारत में क्या है, जम्मू कश्मीर की कहानी जानते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोग जो है जम्मू कश्मीर से बहुत प्यार करते हैं और वो कहते हैं कि हमें एक अलग देश बना दो। तो उनके अंदर जो ये लॉयल्टी जागी है एक तरीके से, सेम यही चीज़ कहाँ पर जागी थी आपके, ये USSR में जागी थी जो कि 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। तो उनमें से हर राज्य के बंदे अपना कह रहे थे कि हमें एक अलग देश बनाना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न था आपका जिसकी वजह से आपका सोवियत संघ आपका कोलैप्स हो गया। इसके बाद क्या है आपका कि सोवियत सिस्टम टू बी अथॉरिटेरियन ट्रेनियन डज नॉट मेक द पार्टी अकाउंटेबल टू द पीपल। इसके अलावा क्या था कि जो भी पीपल्स वगैरह थे वहाँ पे वो अकाउंटेबल नहीं थे, यानी कि लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं रहा इनका। लोग पूछते थे लेकिन यहाँ के लोग बता ही नहीं पा रहे थे कि देश में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। और यही सब कारण है जिसकी वजह से जो आपका सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हुआ। कम से कम 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में ये कि आखिर रीजंस क्या थे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट के। तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से क्या हुआ था आपका सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था, ठीक है। चलिए अगला है आपका कंसिक्वेंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। यानी कि मींस ये पूछा गया है कि आखिर सोवियत यूनियन के बाद आखिर कौन कौन से परिणाम हमें देखने को मिले। तो सबसे पहला जो हुआ था वो ये हुआ था कि कोल्ड वॉर जो है वो केम टू एंड एंड फॉल ऑफ अनदर वर्ल्ड। ओके, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जो कोल्ड वॉर है आपका वो खत्म हो गया। मतलब बेसिकली इसी बात है आपकी ये कि खुद ही सोचिए, जब दो देश आपस में लड़ रहे हैं, एक देश आपका खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो वॉर है वो खत्म हो जाएगा। तो सेम यही हुआ कि जो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था कोल्ड वॉर के नाम पर वो क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। इसके अलावा पोलर वर्ल्ड में एक ही देश बच गया, वो कौन सा बच गया भाई, अमेरिका, इसकी डोमिनेशन बढ़ गई थी, ठीक है। थर्ड हुआ कि द एंड ऑफ द आर्म रेस एंड द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक एंड द राइज ऑफ 15 न्यू कंट्रीज। उसके अलावा कहता कि जो भी आर्म रेस चल रही थी दोनों देशों के बीच में, यूएसए और अमेरिका के, सॉरी यूएसएसआर के बीच में, वो खत्म हो गई। और इसके अलावा जो आपका 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था कौन, ये सोवियत यूनियन, उसमें से अलग अलग कंट्री निकल के वो बनने लगी। इसके अलावा क्या होता है, जो वर्ल्ड बैंक था और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था, ये लोग बाहर आते हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं एक तरीके से। मतलब दो संस्थाएं हैं ये जिन्होंने एक तरीके से मतलब
एडवाइजरी का काम किया कि देश को कैसे चलाना चाहिए, मतलब एक तरीके से कैपिटलिज्म को इन्होंने बढ़ावा दिया था। इसके बाद क्या हुआ था कि जो सोवियत यूनियन है उसका जो सक्सेसर है वो कौन कहलाया, रशिया कहलाया। होता है ना जैसे कि मान लीजिए कोई भी मतलब देश होता है, वो देश जब कोलैप्स हो जाता है फिर जब सरकार गिर जाती है तो कोई दूसरी सरकार आती है, तो उसी तरीके से सोवियत यूनियन की जगह कौन आ गया भाई आपका, रशिया आ गया। तो सोवियत यूनियन में सबसे बड़ा जो गणराज्य था वो था आपका रशिया। इसके अलावा पावर रिलेशन चेंज हो गए, और क्वेश्चन देखिए सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और द डोमिनेंस ऑफ द कैपिटलिज्म लिबरल सिस्टम। इसके अलावा देखिए को सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर क्वेश्चन उठने लगे थे और कैपिटलिज्म एक तरीके से वहाँ पर उसका डोमिनेंस देखने को मिला। और फाइनली यहाँ पर शॉक थेरेपी को अडॉप्ट किया गया और इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें थी ये ही थी आपकी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो ये दोनों क्वेश्चन आते हैं आपके 6-6 नंबर के। एक तो आता है ये कि आखिर डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ, और दूसरा ये आता है कि डिसइंटीग्रेशन के बाद कॉन्सिक्वेंस कौन कौन से में देखने को मिले। तो मैंने आसान शब्द में आपको समझाने की कोशिश करी है, ऐसा करता आपको समझ आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिया आपका शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के बारे में आपको बताऊंगा मैं अभी। चलिए यहाँ पर देखिए प्राइस ऑफ आर्म रेस। प्राइस ऑफ आर्म मतलब कि जो इनके बीच में आर्म रेस चल रही थी, आर्मी रेस चल रही थी, उसकी आखिर कीमत क्या चुकानी पड़ी। तो कीमत यही चुकानी पड़ी कि ये वेस्टर्न कंट्री से बहुत ज़्यादा पीछे हो गया टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। और इसी को देखा देखिए एक तरीके से जो यहाँ की कंट्री थी, जो है कंट्री के लोग थे, उन लोगों ने एक तरीके से सोवियत संघ के प्रति मतलब जो उनकी निष्ठा थी उनको ख़त्म कर दिया और उसके तरीके से इससे अलग निकलने पड़े। तो यही उसको एक घाटा देखने को मिला था आखिर आर्मी रेस का। मैंने स्टार्टिंग में जब आपको पढ़ाया था कि जैसे कि मान लीजिए यूएसए था और यूएसएसआर था, तो दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। मान लीजिए 4 हथियार वो बनाएगा तो ये 8 बनाएगा, तो वो 16 बनाएगा तो ये 32 बनाएगा भाई। तो यही चीज़ें चल रही थी और इसी का जो कीमत है सोवियत संघ को चुकानी पड़ी और अपने लोगों की आकांक्षा ये पूरी नहीं कर पाया, और इसी वजह से ये पश्चिम के देशों से भी पीछे हो गया। ठीक है, चलिए अब शॉक थेरेपी की बात करें। शॉक थेरेपी का मतलब देखिए आपको पहले भी पता होगा, शॉक थेरेपी का मतलब होता है हीलिंग बाय शॉक। यानी कि आपको क्या करना है एक तरीके से, किसी जैसे कि आपने फिल्मों में देखा हो कि लोगों को झटके दिए जाते हैं उनको जिंदा करने के लिए, तो सेम यही चीज़ है यहाँ पर शॉक थेरेपी। इसमें क्या हुआ था कि जो आपका वर्ल्ड बैंक है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इन लोगों ने एक तरीके से रशिया में एक मॉडल लेके आए थे, जैसे कि जिसमें इन लोगों ने बोला था कि हमें जो है यानी कम्युनिज्म की जगह कैपिटलिज्म को अपनाना चाहिए। किसको, रशिया को, क्योंकि सोवियत यूनियन चला गया तो अब रशिया में अपनाया जाएगा। तो रशिया में कम्युनिज्म की जगह कैपिटलिज्म को अपनाया गया था, जिसका जो एडवाइजरी थे वो उस समय थे वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उन्होंने कहा कि आपका जो देश है वो कम्युनिज्म तो चला नहीं, तो आप क्या करिए कैपिटलिज्म को अपना लीजिए। तो कैपिटलिज्म बेसिकली होता क्या है, कैपिटलिज्म बेसिकली ये होता है कि हर चीज़ को क्या करते हैं, प्राइवेटाइज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे कि दोनों इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है, तो यही डिफरेंस है, एक में सरकार होती है और एक में प्राइवेट हाथ होता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई थी कि शॉक थेरेपी क्या है भाई, कि रशिया जो है आपका, रशिया में क्या आई थी, शॉक थेरेपी आई थी। इसमें क्या हुआ था कि वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यहाँ पर कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया, और इसी को क्या बोला गया, दिस इज़ कॉल्ड शॉक थेरेपी। अब बात करते हैं कि फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी आखिर इसमें होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्राइवेट ओनरशिप इज अ डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट वेल्थ। साफ सीधी बात है यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, हर चीज़ को प्राइवेट कर दिया गया, जैसे कि यहाँ पे कलेक्टिव फार्म वॉज चेंज टू प्राइवेट फार्म, कल्टिवेशन स्टार्ट इन द कैपिटलिज्म सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम अडॉप्ट फ्री ट्रेड सिस्टम। ये देखिए जो फ्री ट्रेड सिस्टम जो था आपका पहले यूएसएसआर में नहीं था, शॉक थेरेपी आने के बाद भी यहाँ पर आ गया था। इसके अलावा ये म्यूचुअल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसीज, कनेक्शन विद द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम कैपिटलिज्म, नो अल्टरनेटिव सिस्टम वाज एक्सेप्टेड। तो ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पर साफ सीधी एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, वो है आपका कैपिटलिज्म। तो हर चीज़ को यहाँ पर प्राइवेटाइज कर दिया गया था, किसके जरिए, शॉक थेरेपी के जरिए, और यही आपके फीचर आते हैं आपके शॉक थेरेपी के। तो एक ये कोई भी क्वेश्चन बनता है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी, तो आपको भी इस फीचर्स में इतना बताना है। ठीक है, चलिए अब शॉक थेरेपी तो आ गई आपके कहाँ पे, रशिया में आई थी। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि शॉक थेरेपी कहाँ आई थी, तो आपका यूएसएसआर नहीं लिखना है वहाँ पर, ये लिखना है रशिया लिखना है। ठीक है, और कब आई है भाई, तो 1991 में आई है, क्योंकि 1991 में ही आपका जो सोवियत संघ था वो डिसइंटीग्रेट हुआ था। चलिए, तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि जो सोवियत संघ है आपका उसमें सब कुछ क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। अब देखिए प्राइवेट तो हो गया लेकिन इसका भी अपना एक रिजल्ट होगा, तो वही हम पढ़ेंगे कि इसमें अब इसको शॉक थेरेपी के रिजल्ट में। तो देखिए क्या क्या रिजल्ट आया देखने को मिला, तो कम्प्लीटली अनसक्सेसफुल रशिया इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कोलैप्स्ड। देखिए
खुद ही देखिए यहाँ पे कि जैसे ही इन लोगों ने हर चीज़ को प्राइवेटाइज़ किया ना, तो रशिया की जितनी भी इंडस्ट्री थी ना, वो सारा का सारा जो स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो गया। और डेप्रिसिएशन ऑफ द रशियन करेंसी रूबल, इसके अलावा जो वहाँ की मुद्रा थी कौन सी थी, रशिया की रूबल मुद्रा थी, उसमें गिरावट आ गई। भाई कभी भी ध्यान रखिएगा कि आपकी कंट्री की अगर जो वैल्यू है अगर कम होती है, इट मीन्स कि आपका देश क्या है, पीछे हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया की जो करेंसी है रुपया, वो डॉलर के मुकाबले बहुत कम है, यानी कि 72-70 या फिर 80 के आसपास डॉलर है इंडिया के हिसाब से, रुपये के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो क्या समझ आ रहा है कि अमेरिका कितना ज़्यादा पावरफुल है इंडिया से। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई थी कि जैसे ही लोगों ने शॉक थेरेपी को अपना लिया था, तो यहाँ की जो मुद्रा थी वो क्या हो गई थी, उसमें भी गिरावट आ गई। तीसरी चीज़ ये हुई थी कि ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो सोशल वेलफेयर के लिए सरकार पहले काम करती थी वो ख़राब हो गया, और गवर्नमेंट कंसेशन एंडेड और मोस्ट पीपल बिकम पुअर। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से कंसेशन मिलती थी लोगों को, वो भी एक तरीके से ख़त्म कर दी गई, जैसे कि फ्री में राशन मिलना, ये सब जो चीज़ें थी पहले मिलती थी जब आपका ये सोशलिज्म था वहाँ पे, कम्युनिज्म था, तो वहाँ पे ख़त्म कर दिया, तो बहुत सारे लोग क्या जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या हुआ था कि 90% ऑफ द इंडस्ट्री वर सोल्ड टू प्राइवेट हैंड्स और एट लो प्राइस। देखिए इसके अलावा क्या हुआ था कि जितनी भी मतलब 90% कंपनियाँ ऐसी थी, इंडस्ट्री ऐसी थी जिनको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया बहुत ही कम पैसों में। और इसी को कहा जाता है हिस्ट्री का लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री, ठीक है, लिखा ना पे विच इज़ कॉल्ड द लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री। क्योंकि आप खुद ही सोचिए 90% इंडस्ट्रीज को आपने एकदम कम से कम दामों में, आप लिखा ना 1.25 लिखा गया, एकदम लो प्राइस पे बेचा गया था, क्योंकि कंपनी चल ही नहीं रही थी। जैसे कि आपने सुना होगा कंपनी वगैरह दिवालिया हो जाती है, तो वही चीज़ है। इसके अलावा है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इंक्रीज हो गया था, फूड क्राइसिस आ गए थे यहाँ पे, और राइस ऑफ माफिया क्लास आ गया, देर वॉज अ शार्प डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर, इसके यानी कि जो अमीर लोग थे गरीब लोग थे उनके बीच में डिफरेंस आ गया था बहुत ज़्यादा। यहाँ की जो पार्लियामेंट थी वो एक वीक हो गई थी, और यही सब जो रीजंस थे आपके या फिर जो आपके कह सकते हैं रिजल्ट्स कह सकते हैं, वो शॉक थेरेपी के थे, ठीक है। और बात कर लेते हैं आखिरी टॉपिक की गरासेल की इस वीडियो में। तो गरासेल वही है जिसमें क्या हुआ था कि जो भी मतलब जो रशिया की कंपनी थी जो दिवालिया घोषित हो गई थी, उनको प्राइवेट हाथों में बेचा गया था क्योंकि वो काम ही नहीं चल रहा था उन कंपनी में, ठीक है। तो कंपनी के अंदर प्रॉफिट ही नहीं है, तो कंपनी क्या होगी आपकी दिवालिया हो जाएगी एक तरीके से। और जब दिवालिया कंपनी कोई हो जाती है तो उसकी नीलामी करी जाती है, और जब नीलामी होती है तो हो सकता है कि मतलब कम ही पैसे मिलते हैं एक तरीके से। तो बहुत ही कम पैसों में किसी भी कंपनी को प्राइवेट हाथों में दिया गया था, और इसी को बिगेस्ट गरासेल ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे इसकी आई कहानी, और हो सकता है वो हमारी आखिरी वीडियो होगी। अब तक इस चैप्टर के 2 वीडियो बन चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लोग वो देखें, और प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो चलिए फिर आखिरी पार्ट्स की हम बात करते हैं, जो कि आपका वीडियो का 3rd पार्ट है, और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। जो आपका लास्ट रह गया था वो एरियाज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस रह गया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था सोवियत संघ के विघटन के बारे में। देखिए विघटन तो आपका हो चुका है, यानी कि डिसइंटीग्रेट हो चुका है आपका सोवियत संघ। अब सोवियत संघ जो था आपका वो कितने गणराज्यों से मिलकर बना था, यानी कितने रिपब्लिक से मिलकर बना था, 15 से। तो ये जो 15 के 15 गणराज्य थे वो उन्होंने अपने आप को सोवियत यूनियन से एकदम से अलग कर लिया था। और फिर यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत जगहों पर ऐसा देखा गया था कि दंगे वगैरह हुए थे, और मतलब गृह युद्ध वगैरह हुआ था इन देशों में। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 देश यहाँ पर दिखा रहे गए, चेचनिया और दागिस्तान, यहाँ पर हुआ था। जो चेकोस्लोवाकिया हुआ था यहाँ पर, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, जैसे कि यहाँ पर एक चेक और एक स्लोवाकिया है, ठीक है। तो ऐसी 2-3 रीजन हैं जहाँ पर ऐसे ऐसे हमें देखने को मिला था कि इन देशों ने अपने आप को सोवियत संघ से अलग मतलब बना लिया था, या फिर इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस मतलब करार दे दिया कि हमें जो है अपनी खुद की इकोनॉमी चलानी है, हमें खुद को अपना देश बनाना है, ना कि अब हमें किसी तरह रहना है, USSR के साथ रहना है, ठीक है। तो ऐसी कुछ कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए बाल्कन रीजन की हम बात करते हैं। तो बाल्कन रीजन में एक देश था आपका युगोस्लाविया, ठीक है। ये वही युगोस्लाविया है जो कि आज के समय में मतलब एक तरीके से जो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, जैसे कि बोस्निया हर्जेगोविना स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया, ठीक है, तो ये सभी के सभी यूरोप की ही कंट्री है, जैसे कि इसमें 4 लिखा है, बोस्निया हर्जेगोविना स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया, ठीक है। तो ये जो हिस्सा था ये बाल्कन रीजन में आता था जो कि सोवियत संघ के साथ में ही था, लेकिन ये पहले मिलके युगोस्लाविया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनमें जो देश मतलब जो लोग थे वो चाहते थे कि हम अपने आप को अलग कर लें, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर बाल्कन रीजन में पूछेगा कौन सी कंट्री थी, तो उसमें आपका रिपब्लिक ऑफ युगोस्लाविया आएगा, ठीक है। और इसमें से कौन कौन सी कंट्री निकली, बोस्निया हर्जेगोविना स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया, ठीक है। चलिए
अब आगे वाली देखते हैं, इसमें अगला क्या है आपका, अगला आपका था बाल्टिक रीजन। तो बाल्टिक रीजन में क्या था कि लिथुआनिया ऑफ द बाल्टिक रीजन डिक्लेयर इटसेल्फ इंडिपेंडेंट इन मार्च 1990। ठीक है, तो बाल्टिक रीजन में एक देश था आपका लिथुआनिया। तो जो लिथुआनिया है देखिए, उन्होंने अपने आप को मार्च 1990 में एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया कि हम जो हैं भाई इंडिपेंडेंट हैं। यानी कि पहले ये भी किसके साथ था आपका, USSR के साथ में था। और इसके बाद एस्टोनिया, लतविया एंड लिथुआनिया बिकेम मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1991, जॉइन नाटो इन 2004। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या था, जो एस्टोनिया, लतविया और लिथुआनिया जो था, इन्होंने भी क्या किया, ये तो खुद को इन लोगों ने इंडिपेंडेंट किया अपने आप को, पहले डिक्लेयर कर दिया और फिर इन लोगों ने यूनाइटेड नेशन को अपना लिया, और बाद में देखिए इन लोगों ने नाटो को अपना लिया है। तो नाटो किसका ग्रुप था, ये आपका ये अमेरिका ग्रुप था। तो ये जो देश थे अभी ये बाल्टिक रीजन वाले, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, मतलब ये पहले एक ही में थे, तो इन्होंने भी क्या किया, अपने आप को अलग कर लिया किससे, USSR से, और बाद में एक तरीके से यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बन गए एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में। और बाद में इन्होंने 2004 के समय में क्या किया, नाटो को ज्वाइन कर लिया। मींस कि इनकी भी जो इकोनॉमी है एक तरीके से चेंज आप मान सकते हैं कि कैपिटलिस्ट हो गई होगी। उसके बाद हम सेंट्रल एशिया की बात करते हैं। तो सेंट्रल एशिया में कम से कम 10 सालों तक सिविल वॉर चले थे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि सिविल वॉर लास्टेड फॉर 10 ईयर्स इन तजाकिस्तान फॉर सेंट्रल एशिया टिल 2001, यानी कि 1990 से लेकर के 2001 तक ये चली थी। तो अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया ऑल्सो हैव सिविल वॉर्स कंडीशन। सेंट्रल एशिया रिपब्लिक हैव ह्यूज रिजर्व ऑफ पेट्रोल। अब देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो आपका सेंट्रल एशिया है, मान लीजिए सऊदी अरेबिया की बात करूँ, ईरान, इराक की बात करूँ, सीरिया की बात कर लूँ, यहाँ पर जितनी भी कंट्री है, जैसे कि इसमें नाम लिखा हुआ ये अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, ये सब ऐसी कंट्री होती हैं आपकी जहाँ पर जो पेट्रोल है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं वो आकर के भी लड़ती हैं कि हम भाई आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कल को आप अगर जीतते वगैरह हैं या फिर हारते वगैरह हैं, वैसे तो जीतेंगे, तो जो भी आपका ये जो ऑयल रिसोर्सेज है उसके ऊपर हमारा भी थोड़ा सा मतलब हिस्सा हो। इसलिए क्या था यहाँ पर, मतलब बाहर के जो फोर्स थे उन्होंने आकर के सिविल वॉर में हिस्सा लिया। ठीक है, तो यही है इसमें कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैव ह्यूज रिजर्व ऑफ पेट्रोल फॉर दिस रीज़न हैज़ ऑल्सो बिकेन एन एरेना फॉर द कॉम्पिटिशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एंड ऑयल कंपनीज। तो यहाँ पर ऑयल कंपनीज भी आके लड़ी हैं, और इसके पीछे का रीज़न बस यही है कि यहाँ पर ह्यूज रिजर्व ऑफ पेट्रोल था। ठीक है, तो यही बस इसके तीन हिस्से थे, बाल्टिक, सेंट्रल एशिया और ये आपका बालकन क्षेत्र जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस देखने को मिला था। तो ये तीनों हिस्से वही हिस्से हैं जो पहले मिलजुला करके एक तरीके से अगर आप कह सकते हैं तो USSR थे, बाद में ये सभी कंट्री ने अपने आप को USSR से इस तरीके से अलग कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे तरीके से दंगे वगैरह, सिविल वॉर वगैरह बहुत ज़्यादा चली थी, बहुत लंबे समय के लिए चली थी। तो वन मार्क आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए ये पूछ लेगा टू रशियन रिपब्लिक्स, तो चेचन्या, दागिस्तान बता देंगे, जो चेकोस्लोवाकिया था कितने भागों में बटा, तो आप चेक एंड स्लोवाकिया बता सकते हैं। बाल्कन रीजन में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो बाल्कन रीजन जो था आपका पहले यूगोस्लाविया था, लेकिन ये सेवरल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसमें से आपका बॉस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया आता है इसमें। ठीक है, और अगर बाल्टिक रीजन पूछेगा तो एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया जो थे ये अलग हो गए, और सेंट्रल एशिया में अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, ये सब कंट्री थी जो कि आपका मतलब यहाँ पर सिविल वॉर टाइप की देखी गई थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्री एंड इंडिया, यानी कि आपका जो पहला आपका जो सोवियत संघ था और इंडिया के बीच के रिलेशन की। तो देखिए इसमें जो मैंने यहाँ पे लिखा रखा, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप अलग भी चीज़ें लिख सकते हैं जो कि आप सभी देशों के साथ लिख सकते हैं कि इन देशों के बीच में कैसे रिश्ते होते हैं। तो दोनों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो मैंने लिख रखा कि इनके बीच का जो रिलेशन था बहुत ही अच्छा था एक तरीके से, और ये आपस में एक तरीके से मतलब दोस्ती वगैरह बनाए रखते थे, एक दूसरे पर मतलब कुछ कटाक्ष ना करना और मिलजुल के काम करना। इसके अलावा मान लीजिए इंडिया जो है आपका, इंडिया को जो ऑयल है वो रशिया इंपोर्ट करता है, और बहुत सारे जो एटॉमिक प्लानिंग होती है या फिर स्पेस प्लानिंग होती है, इसमें भी जो रशिया है वो इंडिया का साथ देता है। इसके अलावा जो इंडिया है आपका, वो बहुत ही बड़ा एक तरीके से बाज़ार है रशिया के लिए, क्योंकि यहाँ के जितने भी सामान हैं या फिर मान लीजिए जो हथियार वगैरह है वो इंडिया यहाँ से खरीदता वगैरह है। ठीक है, इसके अलावा जो दोनों की दोनों कंट्री है, अब देखिए जो आपका USSR है वो ख़त्म तो हो गया, और USSR का जो सक्सेसर हम कहते हैं उसको रशिया को कहते हैं। तो जो रशिया है वो इंडिया का मतलब अभी भी दोस्त माना जाता है, सबसे अच्छा दोस्त अगर देखा जाता है वर्ल्ड कंट्री में, तो यही आता है आपका
कि रशिया और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा ये तो दोनों के दोनों देश हैं, इन ये कि दोनों ब्रिक्स में भी हैं। ब्रिक्स में आपको आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स वैसे एक तरीके का संगठन है जिसमें 5 देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो रशिया और इंडिया ये दोनों के दोनों किसी एक ग्रुप में भी है एक तरीके से, ठीक है। और इससे आप समझ सकते हैं कि इन दोनों देशों के बीच का रिलेशन कितना बढ़िया है। और इसके अलावा क्या है कि मान लीजिए हमारे देश की जो भी संस्कृति वगैरह है, व्यापार वगैरह है, फिल्में वगैरह है, ये सब वहाँ पर बहुत तरीके से मतलब चलती हैं या फिर वहाँ के लोग हमें पसंद करते हैं, ये समझ एक तरीके से ये समझ लीजिए हमारे यहाँ के जो एक्ट्रेस वगैरह वो वहाँ के लोगों मतलब वहाँ के लोग हमें पसंद करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों देशों के बीच का जो रिलेशन है काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा रखा कि इंडिया एंड रशिया साइन 80 बिलेटरल एग्रीमेंट्स एंड इन 2001 और इंडिया इज़ द बायर ऑफ रशियन आर्म्स, ठीक है। तो वही बात है कि जो भी हथियार वगैरह होते हैं सभी खरीदता रहता है, और इन्हीं से आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच का जो रिलेशन है वो काफ़ी बढ़िया है। चलिए मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, और आशा करूँगा आप मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और